तमाम ऐसी जगहें हैं ऐसा तरीके काफ़ी ज़्यादा ये दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू के शालामार से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही। यहाँ पर आपको बताते चलें कि शालामार में कायम रणवीरेश्वर टेंपल की छत यहाँ पर जो है वो अचानक यहाँ पर गिरी है, और जिसके बाद SDRF की बात करें वो यहाँ पर पहुंची है, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भी छत यहाँ पर गिरी है इसकी यहाँ पर जो है वो जांच की जा रही है कि कहीं कोई इसके नीचे तो नहीं आया है। फिलहाल दुआ करें कि कोई भी किस तरह का जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ हो, लेकिन तस्वीरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हैं। जम्मू के शालामार में कायम रणवीरेश्वर टेम्पल, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, और नवरात्रों में ये पूरा हादसा यहाँ पर पेश आया है। फिलहाल SDRF की बात करें तो वो इस समय यहाँ पर मौजूद, और कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरीके से जो भी यहाँ पर ये बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पर गिरी हैं इन्हें यहाँ पर तोड़ा जाए और देखा जाए कि कहीं कोई इसके नीचे तो नहीं आ गया है। काफ़ी ज़्यादा दुखद रहता है जब इस तरह के हादसे जो हो पेश आते हैं, लेकिन नवरात्रों के दिनों में ये एक बहुत बड़ा हादसा जो हो पेश आया है, जिसके बाद पुलिस की बात करें तो पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंची हुई है, और SDRF की बात करें वो भी इस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद है। माता रानी के आगे दुआ करेंगे कोई भी किस तरह का नुकसान जो हो वो इसमें ना हुआ हो, लेकिन तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा दुखद हैं, और आप देख सकते हैं कि SDRF की टीमें इस समय मौके पर हैं, और लगातार यहाँ पर इस समय जो है वो कोशिश की जा रही है कि जो भी बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पर गिरी हैं उन्हें जो है वो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ा जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि कहीं कोई इसके नीचे तो नहीं आया है। काफ़ी बड़ा हादसा जम्मू के शालामार के पास जो रणवीरेश्वर टेम्पल है वहाँ पर ये पूरा हादसा जो है पेश आया है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी मंदिर की घंटियां वगैरह थी वो इस समय यहाँ पर निकाली जा रही हैं, और पूरे तरीके से जो भी यहाँ पर ये बड़ी बड़ी दीवारें गिरी हैं इन्हें यहाँ पर जो है वो तोड़ा जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई इसके इस मलबे के नीचे तो नहीं दब गया है। बड़ा हादसा आप देख सकते हैं, लेकिन माता रानी के आगे दुआ करेंगे कि कोई भी किस तरह का जानी नुकसान जो हो वो इसमें ना हुआ हो, और आप सभी लोगों की दुआओं की जरूरत है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी SDRF की टीमें, सिविल डिफेंस JNK की टीमें यहाँ पर मौजूद, और लगातार कोशिश की जाती हुई कि दीवारों को यहाँ पर तोड़ा जाए। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया, किसी को कोई लगी वगी तो नहीं? कोई नहीं, कोई डिवोटी नहीं था अंदर उस वक्त। ये 7:15 सुबह का है, जब आपको पता है कि उस वक्त थंडरस्टॉर्म चल रहा था, चारों तरफ लाइटनिंग हो रही थी, एक लाइटनिंग का स्ट्रोक इस पे भी पड़ा है, और ये मंदिर बिल्कुल ठीक था और हम इसको रेगुलरली मेंटेन करते रहते हैं। पर एक बात तो है ना, ये 170 साल पुराना मंदिर है, अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे बना हुआ है, गारा और चूने के साथ ये सारी इसकी चुनाई हो रखी है। हालांकि दीवारें इसकी 6-6, 4-4, 5-5 फुट चौड़ी हैं, बट अब एज के साथ भी और थोड़ा ज़्यादा बिजली के कारण ये गिरा है, और शिव शंभू की कृपा रही है कि देखिए अंदर कोई डैमेज नहीं हुई मंदिर की, ये सिर्फ बाहर की फेरी है, और हमारे नंदी जी के ऊपर का जो वरांडा है वो ही कोलैप्स किया, इसको धर्मार्थ जल्दी से जल्दी फिर से रिस्टोर कर देगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इस ट्रस्ट के लोग थे वो यहाँ पर हैं, और लगातार यहाँ पर इस समय जो है वो
कोशिश की जाती हुई कि जो भी यहाँ पर काफी लगभग 170 साल पुराना ये मंदिर है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और 170 साल पुराना मंदिर अचानक यहाँ पर जिस तरह से सुबह इसकी छत यहाँ पर गिरी है, जम्मू के शालामार में अगर आप आते हैं तो कई बार आप भी इस मंदिर में यहाँ पर इस रणवेश्वर मंदिर में यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए आए होंगे, लेकिन ऐसे में आज जिस तरह से इसकी छत गिरी है और छत गिरने की क्या कुछ वजह है, हालांकि मंदिर भी काफी ज्यादा पुराना है, बिल्डिंग काफी ज्यादा मंदिर की यहाँ पर ये पुरानी थी, लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लाइटनिंग स्ट्रोक होने की वजह से भी ये पूरा हादसा जो हो पेश आ सकता है। लेकिन ऐसे में फिलहाल ये अभी इसके बारे में पूरी कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस JNK के साथ साथ SDRF के जवान इस समय यहाँ पर हैं, पुलिस की बात करें तो वो भी यहाँ पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो भी ये बड़ी बड़ी दीवारें, क्योंकि दीवारों की बात करें तो काफी ज्यादा ये मोटी मोटी दीवारें थी, और ताकि इन्हें जो है वो तोड़ा जाए, कहीं कोई इसके नीचे ना हो, वो भी देखा जा रहा है। जब कोई मंदिर का अगर कोई कोई भी अगर भगवान की मूर्ति या कुछ भी सामान, कोई घंटी वगैरह या कुछ भी इसके बीच आया है तो उसको भी यहाँ से निकाला जाए। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और सुबह सुबह का ये पूरा हादसा इस समय आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के शालामार के पास रणवेश्वर टेंपल के पास ये पूरा हादसा हुआ है, और जिसके बाद यहाँ पर जो है वो जैसे ही पूरा हादसा पेश आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बना, लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस का बड़ा अमला इस समय यहाँ पर मौजूद, SDRF यहाँ पर मौजूद है और पूरे तरीके से कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कहीं कोई किस तरह का नुकसान ना हुआ हो, और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें फिलहाल यहाँ पर आने से रोका जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर मंदिर की छत जो है वो गिरी है, और जिसके बाद अभी SDRF की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और कोशिश की जाती हुई कि जो भी बड़ी बड़ी ये दीवारें यहाँ पर गिरी हैं उन्हें यहाँ पर तोड़ा जाए, और नीचे अगर कुछ सामान वगैरह है तो उसे यहाँ से जो है वो निकाला जाए। जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से इस समय की तस्वीरें जम्मू से आपको दिखा रहे हैं सब, लेकिन गनीमत ये रही है कि अब तक की जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक कोई भी किस तरह का जानी नुकसान जो है वो इस पूरे हादसे में नहीं हुआ है, और माता रानी के आगे भी, वाहेगुरु के आगे भी, हम ये अल्लाह के आगे भी ये दुआ करेंगे कि इस पूरे हादसे में कोई भी किस तरह का जानी नुकसान जो है वो ना हो। लेकिन ऐसे में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग 170 साल पुराना ये मंदिर था, और ऐसे में बार बार टाइम रहते जो है वो इस मंदिर की जो है वो मरम्मत भी की जाती रही है, लेकिन आज जिस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया है और जो कि काफी ज्यादा भयानक है, और जम्मू के शालामार में जो रणवेश्वर टेंपल है वहां पर ये पूरा हादसा पेश आया, और जिसमें आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये अपने आप में हादसा होगा। लेकिन सुबह सुबह का टाइम था और ऐसे में बारिश जो है वो काफी ज्यादा थी, और लोग भी जो है वो मंदिर में कुछ लोग नहीं पहुंच पाए थे पूजा करने के लिए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं गनीमत रही है कि कोई भी किस तरह का जानी नुकसान जो अब तक रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक कोई भी किस तरह का जानी नुकसान इस पूरे हादसे में जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन SDRF की बात करें या फिर सिविल डिफेंस JNK की बात करें, ये टीमें सारी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और जो भी दीवारें यहाँ पर मोटी मोटी दीवारें इस छत की यहाँ पर गिरी हैं उन्हें यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, और फिर भी बारीकी से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई इस मलबे के नीचे तो नहीं आया है, या फिर कुछ सामान वगैरह कोई मंदिर का है तो वो तो इसके नीचे तो नहीं आया है, ताकि उसे जो वो यहाँ से निकाला जाए। काफी प्राचीन मंदिर है और कई सारे लोगों की आस्थाएं जो है वो इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से हादसा पेश आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल उस वक्त बन गया कि आखिरकार किस तरह से जो है वो इतने पुराने और प्राचीन, लगभग 170 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है, और यहाँ पर किस तरह से ये वो अचानक इस मंदिर की जो है वो छत गिर जाती है। SDRF की बात करें वो यहाँ पर, सिविल डिफेंस की बात करें वो यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर हैं, लोकल्स लोग और यहाँ मंदिर के जो भी धर्मार्थ ट्रस्ट के लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं, और लगातार कोशिश की जा रही है कि देखा जाए कि कहीं कोई नीचे कुछ मलबे के नीचे कुछ दबा ना हो। बिल्कुल ये वो लोकेशन है यहाँ पर जम्मू के शालामार में, अगर आप आते हैं तो ये वो जगह है, यहाँ पर आप भी कई बार इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए होंगे, लेकिन नवरात्रों के बीच ये पूरा हादसा जो हो पेश आया है, जो कि काफी ज्यादा अपने आप में एक
भयानक हादसा होगा, लेकिन ऐसे में गनीमत रही है कि अब तक जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई है उसके मुताबिक कोई भी जानी नुकसान जो है वो अब तक इस पूरे हादसे में जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन माता रानी के आगे फिर भी हम ये दुआ करेंगे कि इस हादसे में कोई भी किस तरह का ज़्यादा नुकसान जो है वो ना हो। और फिलहाल ऐसा हादसा जब देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा दुखद रहता है। पवित्र नवरात्रों के दिन जो है वो इस समय यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह का हादसा जो हो पेश आएगा। लेकिन फिलहाल जो इस पूरे हादसे के पेश आने की वजह है वो फिलहाल ये बताई जा रही है सोर्सेज के हवाले से कि कहीं ना कहीं मंदिर जो है वो काफी ज्यादा पुराना था और ऐसे में लाइटनिंग स्ट्रोक यहाँ पर हुई है, यानी कि आसमानी बिजली यहाँ पर बताई जा रही है। इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है वो हम आप लोगों तक इस समय साझा करते हुए, और ये पूरे तस्वीरें इस समय की जम्मू के बिल्कुल जो शालामार के पास रणवेश्वर टेम्पल है वहां से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफी ज्यादा ये प्राचीन मंदिर है। लेकिन ऐसे में यहां पर ये आप देख सकते हैं किस तरह से इस मंदिर की छत यहां पर फिलहाल जो है वो गिर चुकी है। माता रानी से दुआ करेंगे कि कोई भी किस तरह का नुकसान इसमें ज्यादा ना हो। लेकिन ऐसे में जो अब तक की रिपोर्ट लास्ट रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उसके मुताबिक कोई भी किस तरह का जानी नुकसान अब तक इस पूरे हादसे में रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन एसडीआरएफ की टीमें अभी भी यहाँ पर अपना काम यहाँ पर जारी रखी हुई है और पूरे तरीके से जो भी मलबा यहाँ पर गिरा है उसे यहाँ पर हटाने की कोशिश जो है वो की जाती है। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।